एक्शन um, कभी भी मेरे लिए वो नहीं रहा है मज़ेदार जिसमें बस लोगों को मार रहे हैं uh, उसके पीछे एक पर्पस uh, होना चाहिए उसके पहले उसके पीछे कुछ एक मतलब एक हर्ट होना चाहिए उसके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए और आई थिंक द बिगेस्ट एक्शन हीरो वी वेव हैड एज यू नो द डॉक्यूमेंट्री सर हैज़ प्रोड्यूस्ड मिस्टर अमिताभ बच्चन जब मैं दीवार देखता था uh, बचपन में uh, तब मुझे लगता था यार ये एक्शन फिल्म है लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें सिर्फ एक ही एक्शन लेकिन हर एक सीन ऐसा होता है जैसे लगता है कि यार अब कुछ होगा अब कुछ होगा अब कुछ होगा uh, जैसा कि जाव uh, साहब uh, ने भी कहा था uh, मैं उनके काफ़ी इंटरव्यूज भी देख रहा था कि uh, काफ़ी कैरिकेचरिश हो चुका है वो एक्शन का जो एक इमेज है एंग्री यंग मैन का क्योंकि सब ने वहाँ वहाँ से उठा के उसको कैरिकेचर कर लिया बेमतलब मतलब में लोगों को मार रहे हैं बेमतलब में चीज़ें हो रही हैं जस्ट फॉर द यू नो टू गेट द आई बॉल्स जस्ट फॉर द इफेक्ट बट इन दिस फिल्म दर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड दैट्स आई कनेक्टेड टू अगर मुझे ऐसी एक्शन फिल्म होती जिसमें मुझे बस स्टंट्स uh, करने हैं या उछल गुद के मारना है या लोगों को मारना है और बस एक सिक्स पैक दिखा के हीरो एक मेरे लिए वो वो मज़ेदार नहीं होता है कभी भी हमेशा मेरे लिए वो एक इंटेंसिटी एक एंगस्ट एक कहीं ना कहीं से जो होता है ना वो एक आग होनी चाहिए अंदर और भले अगर वो मारे भी नहीं और जैसे कि बच्चन साहब का हमेशा आंखों में होता था वो आंखों आंखों से फाइट करते थे और लात तो बाद में लंबी लात भी है तो लात तो बाद में लगती थी लेकिन उनकी आंखों से जो गोलियां लगती थी वो कुछ अलग ही थी सो so, uh, मेरे लिए वो सबसे आई थिंक सुप्रीम एक्शन हीरो हैं